तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नो फियर एक्सपेरिमेंट्स। तो गाइस, पतंग का सीजन चल रहा है, हर कोई पतंग उड़ाना चाहता है, लेकिन जिसके पास पतंग ही नहीं हो वो क्या करे। टेंशन की क्या बात, आपका भाई किस लिए है। तो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो तो देखी होगी, जिसमें हमने पेपर से ये काइट बनाई थी। ये एक एक शीट से बनी थी और छोटे साइज की है, लेकिन आपका भाई हर एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पे कर रहा है। और इसके लिए हमने ऐसी चार शीट ली, उन्होंने मिला के एक बड़ा पेपर बनाया, फिर उससे बनाई इस तरह की एक बड़ी पेपर काइट। तो गाइस यार, क्या लगता है आपको, वो उड़ पाएगी कि नहीं? तो चलिए जल्दी से उसे बनाते हैं। तो गाइस यार, इसके लिए हमें पहले इस तरह की चार जो है वो पेज ले लेने हैं, उन्हें इस तरह से रख के ग्लू की मदद से आपस में अच्छी तरह से चिपका देना है। हर किनारा दूसरे किनारे के एकदम बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर हल्का सा भी इनमें फर्क हुआ ना, तो हमारी जो काइट है वो उड़ नहीं पाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं, हमने चारों किनारों को अच्छी तरह से जो है जोड़ लिया है। अब इसे खुश्क होने के लिए रख देते हैं। ये खुश्क हो चुकी है, तो अभी इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसके लंबाई वाले किनारे से इसे पकड़ना है और इस जानिब जो है वो इसे फोल्ड कर देना है। यहाँ से भी देखना है कि हर किनारा दूसरे किनारे के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। फर्क तो गाइस यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरह से यहाँ से दबा देना है। उसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप है, उसमें हमें इस किनारे से पकड़ना है और यहाँ से इसको सेंटर कर देना है। बिल्कुल इसके भी किनारे एक्यूरेट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और यहाँ से जो है वो हल्का सा दबा देना है, बस हल्का से दबाना है, पूरा नहीं दबा देना। अब इसे दोबारा से रीओपन करने के बाद, जो हमने सेंटर मार्क ये वाला लगाया है, यहाँ से पकड़कर इसे यहाँ तक दोबारा इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे और उस सेंटर पॉइंट से असल गेम शुरू होती है गाइस। अब जो हमने ये सेंटर पॉइंट लिया है, अब इसके दोनों किनारों को इस साइड से और उस साइड से दोनों किनारों को यहाँ पर रख के स्टेपलर की मदद से बस स्टेपल करना है और हमारी काइट जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। बस लगानी रहती है। तो ये एक स्टिक, इस स्टिक का क्या काम है, जब हवा तेज होगी तो ये हमारी काइट को सहारा देगी, इसे उड़ने में मदद देगी। और बस जो हमने यहाँ तक गाइस यार, यहाँ जो एक सेंटर पॉइंट था वहाँ स्टेपल करना है और वहाँ पर धागा बांधना है। और अभी चले हम इस काइट की टेस्टिंग करने के लिए बाहर। तो चलिए फिर, देर किस बात की, आप तब तक वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली यार।